Good morning स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। क्लास भी अच्छे से चल रहा है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मैं आशा करता हूँ। और आप की पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए मैं हमेशा निरंतर अपने चैनल एम कुमार केमिस्ट्री क्लासेस जहानाबाद पर निरंतर कार्यरत हूँ। आपके बेहतर भविष्य की कामना करते हुए मैं एम कुमार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप लोग अपने नजदीकी बंधु भाई मित्र परिवार बता देंगे सबों को कि 11 का क्लास भी शुरू हो चुका है। आप जैसे ही उनको सूचना देंगे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बता देंगे ताकि नए नए जो नोटिफिकेशन आते हैं वो आपको मिलता रहे। तो आगे का क्लास देखते हैं। कल आप लोगों ने प्रतिशत पैकिंग इफिशियंसी को देखा था, जिसमें एक सिंपल यूनिट सेल और एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। आज एक और उसका बचा हुआ पार्ट है, उसको देख लेते हैं फिर क्लास आगे बढ़ाते हैं। तो एक और बचा हुआ क्या पार्ट है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का प्रतिशत पैकिंग इफिशियंसी, यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का प्रतिशत संकुलन क्षमता। कल बताया था ना कि जितने भी ठोस पदार्थ हैं उसके अवयवी कण को किसी भी तरीके से आप सजा दीजिए, वो 100% पैक नहीं हो सकता है। इसका रीजन क्या है कि उसके अवयवी कण गोल होते हैं। अवयविकण अणु परमाणु या आयन कैसा होते हैं, गोलाकार होता है। और गोलाकार वस्तु को किसी भी तरीके से आप सजा दो उसके बीच में रिक्त स्थान रहेगा ही रहेगा। अब किसी में ज्यादा या किसी में कम, ये आपके सजाने पर निर्भर करता है, जैसा कि पीछे कल हम लोगों ने देखा था। अब उसी के क्रम में एक और आता है, क्या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का प्रतिशत पैकिंग इफिशियंट। तो याद होगा कि प्रतिशत पैकिंग इफिशियंसी निकालने का सूत्र क्या था, टोटल एटम का वॉल्यूम बटा क्यूब का वॉल्यूम अब गुना 100, है ना। यही दो, टोटल एटम का वॉल्यूम उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, आप क्यूब का वॉल्यूम उसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। ये दो निकाल करके आप इस चीज का कैलकुलेशन करते हैं, बड़ा सिंपल है, देख लीजिएगा, लिख लीजिए इसको। ध्यान दीजिएगा, तो चूंकि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल एटम की संख्या, फेस सेंटर्ड याद है प्रत्येक कॉर्नर और प्रत्येक सरफेस पर, तो कॉर्नर हो गया 8, तो 8 का 1/8 कितना हो गया, 1 हो गया। अब प्रत्येक सरफेस कितना होता है, 6, और सरफेस का कितना भाग लेता है, 1/2, तो 6 × 1/2 कितना हुआ, 3 हो गया। यानी टोटल एटम की संख्या 1+3 = कितना हो गया, 4।
तो ध्यान दीजिएगा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल एटम की संख्या कितने हो गए? चार। तो इसलिए टोटल एटम का वॉल्यूम बराबर, तो एटम स्फेरिकल गोलाकार वॉल्यूम क्या होता है? चार बटा तीन गुना पाई आर क्यू होता है। क्योंकि टोटल एटम का वॉल्यूम, टोटल एटम की संख्या कितना है? चार है, इसलिए चार से इसको मल्टीप्लाई करती है तो कितना हो गया? 16 बटा 3 पाई आर क्यू। आपको प्रतिशत पैकिंग इफिशियंसी निकालने के लिए कितनी बातें की जरूरत थी? दो। टोटल एटम का वॉल्यूम बता, क्यूब का वॉल्यूम, तो टोटल एटम का वॉल्यूम आपने निकाल दिया, निकाला ना, कितना आया? 16 बटा 3 पाई आर क्यू। इसको हम मान लें इक्वेशन पर। अब क्या चाहिए? क्यूब का वॉल्यूम। तो क्यूब का वॉल्यूम भुजा क्यूब, तो भुजा को हम क्या मानते हैं? यूनिट सेल के भुजा को ए मानते हैं, तो ए का क्यू हो जाएगा। और याद होगा आपको कि ए को हमको चेंज करना है किस चीज में? आर में। क्यों? क्योंकि आर और आर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और केवल जो है अचर संख्या बच जाएगी, और तब उसको क्या कर देंगे? एक संख्यात्मक मान निकाल देंगे। लिख लीजिए, ठीक है। चूंकि क्यूब का वॉल्यूम भुजा क्यूब यानी ए क्यूब होगा। अब इस ए को जो है चेंज कर देना है किस चीज में? आर में। यही तो उद्देश्य है हम लोग का, कल बताए भी थे कि ए को अगर आप आर में चेंज कर देते हैं तब आपको न्यूमेरिकल बनाने में कुछ रह ही नहीं जाता है ना। तो ए को हमको चेंज करना है किस में? आर में। तो देखते हैं कैसे चेंज होगा। कौन सा यूनिट सेल की आप बात कर रहे हैं? याद करो, सिंपल यूनिट सेल में दो कॉर्नर, प्रत्येक कॉर्नर पर, तो एक कॉर्नर लिया था, एक कॉर्नर लिया था, तो इसका मान हो गया था दो आर हो गया था। और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल तो केंद्र में रखा गया था, तो केंद्र में एक स्फेरिकल गोला आया था, तो दो आर 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 कितना आर हो गया था? चार आर हो गया था। और उस चार आर को हम फिर एक के रूप में कन्वर्ट कर दिए। अब जो है हम देखते हैं कि यहां पर यानी किस में? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कैसे इस ए को हम आर के रूप में चेंज करेंगे? गौर कीजिएगा। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं किसको? प्रत्येक कॉर्नर और प्रत्येक सरफेस, प्रत्येक कॉर्नर और प्रत्येक सरफेस। तो गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए बोर्ड पर, ध्यान देंगे।
प्रत्येक कॉर्नर और प्रत्येक सर्फेस, दिमाग में बात बनाइएगा, प्रत्येक कॉर्नर और प्रत्येक सर्फेस है ना, के अव्यवीकरण को प्रत्येक कॉर्नर और प्रत्येक सर्फेस पर रखने से। अब हम इस आर को हम चेंज करेंगे, किस चीज ए को हम चेंज करेंगे, कैसे आर के रूप में कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। ट्रायंगल डी एफ एच, डी एफ एच में एफ डी स्क्वायर बराबर डी एच स्क्वायर प्लस एफ एच स्क्वायर। तो भुजा की लंबाई ए होता है, तो डीएच का मान कितना हो गया ए, और एफ एच की लंबाई भी क्या हो गया ए, भुजा की लंबाई ए का स्क्वायर है ना। एफ डी का मान कितना है, देखो फोर आर है कि नहीं, आर 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 फोर आर, प्रत्येक कॉर्नर और प्रत्येक सरफेस, तो फोर आर स्क्वायर, यानी 16 आर स्क्वायर बराबर 2 ए स्क्वायर होगा। प्रत्येक कॉर्नर और प्रत्येक सरफेस पर रखने से कितने आर हो गए, 4 आर हो गए। तो ट्रायंगल डी एफ एच में एफ डी स्क्वायर, ये विकर्ण हो गया, बराबर डी एच स्क्वायर प्लस एफ एच स्क्वायर। तो एफ डी में कितने आर है, 4 आर, तो 4 आर स्क्वायर बराबर इसका मान ए, इसका मान ए, तो ए स्क्वायर स्क्वायर कितना हो गया, 2 ए स्क्वायर हो गया। तो इसको जरा लिख लीजिएगा, अब जरा गौर कीजिएगा, तो ए स्क्वायर बराबर कितना होगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 8 आर स्क्वायर होगा। तो ए बराबर क्या होगा, बोलिए, इसको ओवर रूट कर देंगे, होगा ठीक है, इसको लिखिएगा, अब जरा गौर कीजिए, तो ए का मान कितना होगा, 2√2r, कितना होगा, 2√2r। अब जरा गौर कीजिएगा कि ए का मान किसमें चेंज हो गया, आर में चेंज हो गया, या आर का मान किसमें चेंज हो गया, ए में चेंज हो गया, हमको किसमें रखना है, आर में चेंज कर देना है, भुजा को, भुजा की लंबाई ए है, उसको किसमें चेंज कर देना है, आर में, तो आर में चेंज हो गया। अब कुछ नहीं करना, देख लेते हैं, इसलिए प्रतिशत पैकिंग इफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला था, टोटल एटम का वॉल्यूम बटा क्यूब का वॉल्यूम, ये किसका मान आया है, ए का मान आया है ना। तो टोटल एटम का वॉल्यूम, तो कितना एटम था, 4, तो 4 चौके 16, याद कीजिए, 4 गुना 4 बटा 3 गुना 22 बटा 7, यहां पर लिखते हैं कि R का मान कितना है, 2√2r। तो 4 चौके 16 बटा 3 गुना पाई 22 बटा 7 और गुना कितना, R, और गुना यहां पर क्या हो जाता है, 100 बटा
क्यूब का वॉल्यूम, तो क्यूब कितना है, ए क्यूब है, तो ए का क्यूब यानी कि 2√2 आर, और इसका कौन चीज क्यूब है ना, तो 16/3 22/60 गुना आर क्यूब बटा, यहां 100 होगा, बटा 2 × 4 × 8 आई हो जाएगा कितना, 4√2 होगा। टू रूट टू आर क्यू हो गया, तो ये 2 × 4 × 8 याद हो गया अगुना, इसका गुना कितना हो जाएगा बोलिए, तो 2 × √2 गुना आर, अब गुना कितना हो जाएगा भैया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं ना, कैलकुलेट कर, तो आरक्यू से आरक्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 74%। तो 74% क्या हो गया, पैक्ड हो गया, इसलिए वॉइड ठीक है। तो क्यूब का वॉल्यूम पहला इक्वेशन क्या, टोटल एटम का वॉल्यूम 4 × 4/3 पाई आर क्यूब हो गया था। अब यहां पर आप देख लीजिए क्यूब का वॉल्यूम भुजा क्यूब, तो भुजा क्यूब ए क्यूब, तो ए को हम किसमें चेंज कर दिया, आर में आया था ना, ए बराबर क्या आया था 2√2 आर, उसको क्या किया क्यूब, ये कैलकुलेट लिख लीजिए, ठीक है आगे चल। तो ये प्रतिशत पैकिंग इफिशियंसी आपका समाप्त होता है, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा, प्रूफ करने के लिए तो नहीं आता है लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का प्रतिशत पैकिंग या प्रतिशत वॉइड, तो पैकिंग या वॉइड दो में से कोई एक याद कर लीजिए और उसको 100 में से फिर क्या कर देना होगा, घटा देना, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक है जिसका न्यूमेरिकल अक्सर पूछता है एग्जामिनेशन, क्या है गौर कीजिए, रवादार ठोस के घनत्व का निर्धारण, तो रवादार ठोस के घनत्व का निर्धारण एकदम छोटा सा टॉपिक है, आप इसको क्लियर कर लीजिए, देखते हैं। कहता है कि n m n a इसका ज्यादा कोई थ्योरी नहीं है, सिंपल फॉर्मूला और उस पे न्यूमेरिकल। तो कहता रवादार ठोस का घनत्व डी, डी माने डेंसिटी, डेंसिटी माने घनत्व निर्धारण करने के लिए n m n a कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 ये 5 टर्म में कोई एक टर्म आपसे पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि घनत्व भी पूछे, n भी पूछ सकता है, m भी पूछ सकता है, यह भी पूछ सकता है और यह भी पूछ सकता है,
प्रश्न आपके सामने दिमाग में आ रहा होगा कि ये आया कहां से। तो पहले ही बोला कि इसका कोई विशेष थ्योरी नहीं है, आप सीधे इसके न्यूमेरिकल पे जाएंगे, इसके फॉर्मूला पे जाएंगे और इसके फिर फॉर्मूला से न्यूमेरिकल बनाएंगे, इसके थ्योरी से हमको लेना देना नहीं है। तो बात कर रहे थे कि ये एन क्या है, एम क्या है, फिर कैपिटल एन क्या है और ये ए क्या है। डी तो समझ रहे हैं क्या है, घनत्व है, तो एकदम सिंपल है, सारा कुछ जानते हैं आप, केवल एक बार इसको बताने की जरूरत है, सब कुछ जानते हैं। तो ध्यान देते हैं, कहता है कि रवादार ठोस के घनत्व के निर्धारण के लिए निम्नलिखित टर्म की आवश्यकता होती है। रवादार ठोस के घनत्व का निर्धारण, तो रवादार ठोस के घनत्व के निर्धारण के लिए निम्नलिखित टर्म की आवश्यकता होती है, तो क्या क्या होती है जरा गौर कीजिएगा। डी घनत्व स्मॉल एन है ना, तो स्मॉल एन क्या है, तो इकाई सेल में परमाणु की संख्या। अब है एम, सूत्रवार और कैपिटल एन एवोगाड्रो संख्या, जिसका मान 6.022 गुना 10 के पावर 23। डी मतलब घनत्व, एन छोटा एन यूनिट सेल इकाई सेल में परमाणु की संख्या, पहले पढ़ाए हैं और बताए भी थे कि आगे के न्यूमेरिकल बनाने में ये काम आएगा। अभी पीछे तो देख रहे थे कि रवादार ठोस का घनत्व निकाल रहे थे हम लोग, घनत्व निकालने के लिए हमको कितने चीज की जरूरत पड़ेगी, चार चीज की, कौन कौन, घनत्व हो गया, एन हो गया, एन इकाई सेल में परमाणु की संख्या, एम क्या हो गया सूत्रभार, और एन क्या हो गया एवोगाड्रो संख्या। एक और चीज की आवश्यकता पड़ेगी और वो है क्या, ए, ए क्या होगा, भुजा की लंबाई। तो एक दो तीन चार पांच, ये पांच बात क्या क्या, डी स्मॉल एन कैपिटल एन स्मॉल एम और ए, एवोगाड्रो संख्या कैपिटल एन, एन इकाई सेल में परमाणु की संख्या, डी घनत्व, एम सूत्रभार और ए भुजा की लंबाई, इन्हीं चीज की आवश्यकता होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। ध्यान देंगे, तो चूंकि d बराबर n इंटू एम गुना n गुना एक, n अभी बताया ना यूनिट सेल में टोटल परमाणु एटम की संख्या, m रवादार ठोस का सूत्रभार और n एवोगाड्रो संख्या और a भुजा की लंबाई, इसको लिख लीजिए।
तो ध्यान दीजिए, अब इसका सीधा न्यूमेरिकल बनेगा। क्वेश्चन है यदि किसी ठोस रवादार या रवादार ठोस की संरचना FCC के अंतर्गत यदि भुजा की लंबाई 400 पिकोमीटर है तो इसका घनत्व ज्ञात करें यदि रवादार ठोस का अणु सूत्र भार 7। याद कीजिए, न्यूमेरिकल बनाने का आपको तरीका बताया है कि जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, जो निकालना है उसको लिख लीजिए और फॉर्मूले पर क्या कर दीजिए, सेट कर दीजिए। तो ध्यान दीजिए, यदि किसी रवादार ठोस की संरचना FCC के अंतर्गत है, जरा गौर कीजिएगा, न्यूमेरिकल दो तरीके का होता है। एक सिंपल न्यूमेरिकल होता है, सिंपल न्यूमेरिकल जिसको क्या कहते हैं कि उसमें फॉर्मूले में जितने टर्म यूज होते हैं उसका एक टर्म छोड़ के, कौन टर्म छोड़ के, जिसको निकालना है उसको छोड़ के बाकी जितने भी टर्म है वो सीधा दिया हुआ, एकदम क्वेश्चन में स्पष्ट आपको नजर आएगा, लिखा हुआ रहेगा कि ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है। तो ये एकदम सिंपल न्यूमेरिकल हो गया कि 5 टर्म में 4 टर्म दिया हुआ है और एक टर्म निकालना है, सूत्र में से जिसको निकालना है अलग कर दीजिए, बाकी टर्म को बैठा के गुणा भाग जोड़ घटाव कर देना। कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं कि कुछ ऐसी बात उसमें दी हुई रहती है जो छुपा हुआ है, तो यह थोड़ा सा समझने वाली बात होती है, इसलिए न्यूमेरिकल को क्या कहा जाता है कि एक्सरसाइज करने की चीज है। जब तक आप उसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे, घर पे नहीं बनाएंगे, एक दो एग्जांपल शिक्षक बताए और आप उतना ही तक छोड़ देते हैं, तब न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। और आपके जो एग्जामिनेशन, इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में जो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़ा सिंपल से हटके होते हैं, क्योंकि उसमें दिमाग लगाना होता है, कुछ ऐसी बातें उसमें होगी जो अप्रत्यक्ष रूप से दिया हुआ रहेगा, स्पष्ट नहीं रहेगा, है लेकिन छुपा हुआ है, और उस छुपे हुए के टर्म को आपके लिए निकालना कब सरल होगा, जब आपका थ्योरी मजबूत होगा। अगर थ्योरी मजबूत नहीं है तो उस छुपे हुए टर्म को आप निकाल नहीं सकते हैं और तब न्यूमेरिकल बनाना थोड़ा आपके लिए परेशानी हो जाती है। तो देखते हैं, तो क्या बोला कि पहले जो दिया हुआ है उसको लिखिए, सॉल्यूशन गिवन, गिवन मतलब जो दिया हुआ। तो कहता है यदि किसी रवादार ठोस की संरचना FCC के अंतर्गत, अब ये FCC कह दिया, इसमें एक बात छुपा हुआ है, क्या? F सेंटर्ड यूनिट से ले, तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कहने से हमको एक चीज मालूम है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, ये प्रूफ भी किए हैं हम, पढ़े भी हैं आप,
कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल परमाणु की संख्या कितनी होती है? चार। फेस सेंटर्ड प्रत्येक कॉर्नर और प्रत्येक सरफेस, 8 × 1/8 और 6 × 1/2, 3 × 1 कितना हो गया? 4। यानी आपको यहां पर दे दिया गया कौन चीज का मान? एन का मान, और ये एन का मान कितना हो गया आपका? 4 हो गया, है ना छुपा हुआ। तो ये प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है? अप्रत्यक्ष है, और इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। भुजा की लंबाई, ये प्रत्यक्ष है, भुजा की लंबाई ए है और ए का मान आपको दिया हुआ है कौन चीज? 400 पिकोमीटर। यदि घनत्व ज्ञात करना है, यानी कि डी बराबर वाट, यदि रवादार ठोस का सूत्र भार, यानी कि सूत्र भार को हम डिनोट किए हैं कौन चीज से? स्मॉल एम से। कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ। अब जरा गौर कीजिए, डेंसिटी का फॉर्मूला एन स्मॉल एन गुना स्मॉल एम बटा कैपिटल एन गुना ए भुजा की। यहां एक चीज हमको और नहीं दिया हुआ, वो तो बिल्कुल ही विलुप्त है, कौन सी? एन। कौन एन? कैपिटल एन, यानी एवोगाड्रो संख्या, और चूंकि हम जानते हैं वो कांस्टेंट होता है, इसलिए बार बार वो आपको नहीं देगा। ये आपके थ्योरी पर काम करेगा, आपके मेहनत पर काम करेगा, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल का उस पे काम करेगा। तो एन का मान आप जानते हैं, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.022 × 10³। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 टर्म आपको दिया हुआ है, और एक पांचवा टर्म यानी कि कौन सी? डेंसिटी आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। आपको बार बार बताए हैं कि न्यूमेरिकल बनाने में जब इतना काम आप कर लेते हैं कि दिया हुआ क्या है और निकालना क्या है, इतना काम कर लेते हैं तो न्यूमेरिकल बनाने में परेशानी नहीं हो। ठीक है, अब कुछ करना है? कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाइए, गुना भाग कीजिए, काम खत्म। तो ध्यान देते, तो ध्यान दीजिएगा, चूंकि डेंसिटी एन गुना एम बटा एन गुना होता है स्मॉल एन, कहां से आया था याद है ना? हाँ, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल एटम की संख्या 4 है, एम दिया हुआ है 7 बटा एन एवोगाड्रो संख्या 6.022 × 10³ गुना, ये जो पिकोमीटर है इसको आप चेंज कर दीजिएगा मीटर में, है ना? तो 400 × 10³, ठीक है, -10, इससे ये 400 पिकोमीटर चेंज हो गया कौन चीज में? मीटर में। किस में चेंज हो गया? मीटर। पिकोमीटर को हम किस में चेंज कर दिए? मीटर में। जरा गौर कीजिए, अब इसको क्या करना है? कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन कर लीजिए, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आएगा लगभग 6.25। अब प्रश्न यहां उठता है
इसका यूनिट क्या लिखेंगे, है ना। तो ये 60 जो एटॉमिक मास निकाला हुआ है वो उसका इकाई क्या लिखते हैं, मोल में जब हम उसको व्यक्त करते हैं तो उसका इकाई क्या लिखते हैं, ग्राम। और ये तो संख्या है, ये भी संख्या है, तो ये ग्राम हो गया। और ये जो है CmQ, क्यों गौर कीजिएगा, ये CM, क्यों CmQ, क्योंकि CM मतलब आपको मिलीलीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो घनत्व का इकाई, घनत्व का क्या फॉर्मूला, भार बटा आयतन, तो भार के लिए कौन सा हो गया ग्राम। और ग्राम के साथ जो टर्म यूज होता है आयतन में वो क्या यूज होता है, मिलीलीटर। और मिलीलीटर यहां नहीं टर्म है, बल्कि इसको हम जो पिकोमीटर था उसको हम कौन से बदल दिए हैं, सेंटीमीटर। तो ग्राम पर सीएम, क्योंकि यहां पर क्यू सीएम क्यू था ना, ये क्यू, तो सीएम क्यूब, तो सीएम गुना सीएम गुना सीएम, तो क्या हो गया, क्यूब हो गया। तो ग्राम ऊपर में आ गया, ये तो संख्या, ये संख्या है, तो ये क्या हो गया आपका, ग्राम हो गया। और ये सीएम गुना सीएम गुना सीएम कौन सी हो गया, सीएम क्यूब। और सीएम क्यूब का टर्म क्या होता है, मिलीलीटर। अब मीटर क्यूब का टर्म क्या होता है, लीटर होता है। तो सीएम क्यूब का टर्म क्या हो गया, मिलीलीटर। तो ग्राम हो गया किसके लिए, भार के लिए। और सीएम किसके लिए हो गया, मिलीलीटर किसके लिए हो गया, आयतन के लिए हो गया। तो घनत्व का इकाई क्या हो गया, ग्राम पर ml। और ml के लिए ही टर्म यहां यूज क्या हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो कहने का सेंस ये हुआ कि डेंसिटी निकालने के लिए आपको चार टर्म की जरूरत होगी, स्मॉल n, स्मॉल m, कैपिटल n और भुजा से। ये बात दिमाग में रखिएगा कि जो मास रखिएगा, जो सूत्र भार रखिएगा वो ग्राम में, और जो नीचे जो आपको यहां पर भुजा की जो लंबाई होगा वो उसको कर दीजिएगा कौन सी में, सीएम क्यूब में। तो सीएम क्यूब करने से वो क्या हो जाएगा, मिलीलीटर। तो ग्राम पर ml हर हाल में, या ग्राम पर ml के जगह पर हम ग्राम पर सीएम क्यूब, सीएम क्यूब किसका टर्म, ml का टर्म होता है। ठीक, लिख लीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देते हैं। BCC रवादार ठोस का घनत्व दस दशमलव पांच ग्राम पर ml। अब आपको याद है ना कि ml किसका टर्म है, सीएम क्यूब का टर्म है। कौन सी का टर्म है, सीएम क्यूब का टर्म है ml। चलो हम इसको लिख ही देते हैं, सीएम क्यूब का है। तथा भुजा की लंबाई चालीस पिकोमीटर, तो रवादार ठोस का सूत्रभार ज्ञात। BCC, समझ रहे हैं बात को, BCC कहने से ही एक न्यूमेरिकल वैल्यू हमको मिल जाता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट से, बॉडी सेंटर्ड प्रत्येक कॉर्नर और
बॉडी के केंद्र में, कितना, एक। तो ध्यान दिया गया है कौन चीज, एन का मान कितना होगा, एन का मान दो, अरे हो ना, घनत्व दिया हुआ, डेंसिटी दिया हुआ, 10.5 ग्राम पर एमएम। भुजा की लंबाई ए 40 पिकोमीटर। अब इसको पिकोमीटर में रहने दीजिएगा, न्यूमेरिकल बनाने में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां यार यूज क्या हुआ है, एमएल, एमएल किसका टर्म है, सीएम का टर्म है, तो पिकोमीटर को हम किसमें बदल लेंगे, सेंटीमीटर में, गुना 10 के पावर माइनस, ठीक है। भुजा की लंबाई, रवादार ठोस का सूत्र भार, यानी स्मॉल एम बराबर वाट, और इसमें आप एक चीज तो जानते हैं कि छुपा हुआ है कौन चीज, कैपिटल एन 6.022 10 के पावर। तो गौर कीजिएगा, ये छुपा हुआ था, ये छुपा हुआ था, और एक बात यहां पे और ध्यान देना है कि ए जो है कौन चीज में, यहां है पिकोमीटर में, आप इसको चेंज करेंगे कौन चीज में, सेंटीमीटर में, जिसके लिए 10 के पावर माइनस 10 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो एम क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब एम का फॉर्मूला ध्यान देंगे, ऊपर मिटाते हैं क्वेश्चन, लिख लीजिए इसको, तो ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिए क्या निकालना है, एम निकालना है। तो चूंकि डेंसिटी बराबर एन गुना एम बटा एन गुना ए क्यू होता है ना, तो हमको क्या निकालना है, एम निकालना है, तो एम को क्या कर दीजिए, बाहर कर दीजिए, है ना। तो एम बराबर क्या हो जाएगा, डी गुना एन गुना ए क्यू बटा स्मॉल, ठीक है। अब देखिए डेंसिटी दिया हुआ है आपको, एन दिया हुआ है आपको, ए दिया हुआ है आपको, और एन दिया हुआ है आपको, तो एम का मान गुना भाग करके निकाल सकते हैं आप लोग, इतना जो आएगा, इकाई क्या लिखेगा, एम मास का इकाई क्या लिखेगा, ग्राम, है ना। तो एक नोमेरिकल दे देते हैं, आप इसको बना लीजिए, लिख लीजिए, है यदि रवादार ठोस की संरचना बीसीसी के अंतर्गत, यदि सूत्रभार 40 ग्राम तथा भुजा की लंबाई 0.003 सेंटीमीटर है। आप देखो यहां पर पिकोमीटर नहीं है, क्या है, सेंटीमीटर है, तो पिकोमीटर में 10 के पावर माइनस 10 से गुना क्यों करते थे, सेंटीमीटर में लाने के लिए, लेकिन यहां डायरेक्ट सेंटीमीटर में दिया हुआ, इसलिए उसमें गुना करने की आवश्यकता नहीं है। तो डी यानी कि कौन चीज, घनत्व ज्ञात करें, न्यूमेरिकल बनाना है आप, तो बीसीसी से क्या निकल जाएगा, टोटल एटम की संख्या, और आपको दिया हुआ है मास एम दिया हुआ है, भुजा की लंबाई दिया हुआ है, और आपको घनत्व निकालना है, तो एक दो तीन, तीन टर्म आए हुए एवोगाड्रो नंबर, वो तो कांस्टेंट होता है, चार टर्म, ये चौथा टर्म पांचवा टर्म आपको क्या करना है, निकाल देना, बन जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन देखिएगा, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए।
ठीक है। तो आज का सॉलिड स्टेट में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक आगे स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए आप अपने चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए से नए जितने भी लेटेस्ट वीडियोस आते हैं वो आपको यथाशीघ्र मिले। ये तभी संभव है जब आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। आगे चलें, तो आज की बात, आज का क्लास सॉलिड स्टेट में इतना ही होता है, नेक्स्ट क्लास को फिर अगले दिन देते हैं। धन्यवाद।